लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, इनका आज हम एक भाषण सुनने वाले हैं। आप सभी को पता है, स्वराज्य यह मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। यह गर्जना जिस क्रांतिकारी ने की है, वह क्रांतिकारी को कौन नहीं पहचानता। जिस क्रांतिकारी ने वकील होके, एक शिक्षक होके भी किसी भी प्रकार की ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी न करते हुए अपना पूरा जीवन उन्होंने स्वतंत्रता के लिए अर्पण कर दिया। उनके मुताबिक स्वतंत्रता, स्वराज्य यह प्रत्येक देश की आत्मा होती है। भाषण में तिलक जी ने हमें बताया है कि स्वराज्य यह हमारी आत्मा है और आत्मा सदैव अमर रहती है। इसी के साथ साथ हमें राजनीति, स्वशासन और स्वतंत्रता का महत्व इस प्रस्तुत भाषण में हमें समझाने का प्रयत्न लोकमान्य जी ने किया है, और उनके कार्य के बदौलत, उनके जीवन को देखते हुए सभी जनों ने बाल गंगाधर तिलक जी को लोकमान्य पद से सम्मानित किया, और आज हम उन्हें सारे लोग लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक नाम से पहचानते हैं। प्रस्तुत भाषण से हमें समझ आती है कि लोकमान्य जी की प्रतिबद्धता अपने स्वराज्य से थी, जिसके कारण एक प्रथम क्रांतिकारी रूप से हम देख सकते हैं कि जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जाकर मुझे पूर्ण स्वतंत्रता मिलनी चाहिए यह गर्जना की थी। से महान जिनके कारण आने वाले पीढ़ियों के मन में देश प्रेम जागृत रह सकता है और अपने देश के लिए, अपनी सेवा देने के लिए अपना जीवन अर्पण कर सकते हैं। तो चलिए आज पढ़ते हैं हम बाल गंगाधर तिलक, इनका यह भाषण, स्वराज्य है मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है।